इसी प्रकार विलयन की भौतिक अवस्थाएं के आधार पर, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर मतलब तीन प्रकार के होते हैं, जैसे गैसीय विलयन। गैस विलयन कैसा, मतलब जब किसी विलयन में गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है, कैसा होता है, गैसीय अवस्था में, कैसा, पर गैसीय अवस्था में जो चीज़ प्राप्त होती है वह गैसीय विलयन कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार द्रव विलयन, जिसमें किसी विलयन की द्रव अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, इसको हम गैस विलयन को गैसीय अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, द्रव को द्रव अवस्था में, और ठोस को ठोसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, वह ठोस विलयन कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें कि ठोस में ठोस व द्रव या गैस को घोलकर बनाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार सांद्रता के आधार पर, किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर बहुत सारे प्रकार होते हैं। मान लीजिए पहला तनु विलयन हो गया, तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, सांद्रता या सांद्र विलयन। तनु मतलब क्या होता है, बताया था आपको पिछली बार, आप भी प्रैक्टिकल में भी कई बार इस चीज़ को पढ़ चुके हो, तनु और सांद्र। तनु मतलब होता है कोई भी चीज़ प्योर ना होके उस पर आप पानी की मात्रा मिला देने पर वह विलयन कैसा हो जाता है, तनु हो जाता है। मान लीजिए वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है उन्हें तनु विलयन, मतलब विलेय की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, विलेय की अपेक्षा विलायक की मात्रा बहुत कम, मान लीजिए विलायक और विलेय में अंतर भी पढ़ा अपन ने, तो इसमें कम होती है तो ये तनु विलयन। इसमें क्या होता है, सांद्र वाले हैं वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है विलयन में, वो सांद्र विलयन कहलाते हैं। उसी प्रकार संतृप्त विलयन भी होता है, संतृप्त विलयन, ठीक है, कैसा होता है, संतृप्त विलयन होता है, अति संतृप्त विलयन, असंतृप्त और अति संतृप्त, तीन प्रकार के विलयन पाए जाते हैं। तो अब पढ़ेंगे इसके आगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, विलयनों की सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला होता है प्रतिशतता, या आप मैथ्स वगैरह पढ़ते होंगे, प्रतिशतता मतलब परसेंटेज निकालना, ठीक है, परसेंटेज। तो सबसे पहले यह विलयन के एक पर 100 भार भाग या 100 आयतन भाग में विलेय के भागों की